देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हमारे बड़े बड़े एक्टर सहित लोकल के नेता सामने आ रहे हैं और वह कुछ कुछ राहत इससे निपटने के लिए दे रहे हैं, पर यह राहत राशि कहाँ जा रही है किसी को कुछ नहीं पता है। इसी राहत को लेकर के हमने एक गांव में जाकर के पता किया कि प्रधान के द्वारा गांव में किस तरह से इस कोरोना से बचने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे निकल के आया कि 250 मास्क वितरण किए गए हैं और पूरे गाँव में मच्छर मरने वाली दवाइयाँ छिड़की गई हैं। पर ये मास्क किसको वितरण किए गए हैं, कहाँ पर वितरण किए गए हैं, ये जब हमने अलग अलग लोगों से बात की तो पता चला। प्रधान की बातें कुछ और बता रही हैं, वहीं पर सचिव की बातें कुछ और बता रही हैं, जिससे यह साफ समझ में आता है कि इस बजट का जरूर कहीं ना कहीं बंदरबाट किया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। यहाँ पर किस तरह से बीमारी से बचने के लिए प्रधान के द्वारा सुविधाएं की गई हैं? कोई सुविधा नहीं, कोई नहीं है कि हमारा पर कोई सुविधा होगा प्रधान का, कोई नहीं होता है। मास्क वगैरह आपको मिले हैं बांधने के लिए मुंह में? कुछ नहीं मिला। कौन करते हैं तो सब बड़े बड़े घर में करते हैं, जैसे प्रधान भाई बड़े यहाँ बामन आमन भाई उधर नाली हो गई, इधर बसूर रहते तो कोई नहीं कुछ करता ना, कोई कहता है। उनने सोचा कि तुम कहोगे तो हम बुराई ला देंगे, हम कहेंगे तो भी बुराई हो जाएगी, ऐसे ऐसे में कोई बात कहता नहीं है। तो ये बसोरों का मोहल्ला है? हाँ। तो यहाँ पर कभी नहीं सफाई होती? नहीं, जितने बार होती है वो भी जब ज़्यादा ही गंदगी हो गई, जब प्रधान ने कहा कर दी इतने बार भाई, तो शाम अपने अपने द्वारे की नाली अपने अपने हाथ से कर। यहाँ पर इस गांव में किस तरह की व्यवस्था की गई है कोरोना वायरस को लेकर? सब लोग अपनी अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, बाकी सरकार तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, ना सैनिटाइजर हुआ है, ना मास्क बटे, बाकी कुछ नहीं है। सब लोग अपना दूरियाँ बना कर रखते हैं, अपने घर पे ही रहते हैं सब लोग, बस इसी तरह करते हैं अपना बचाव। तो यहाँ पर कभी साफ सफाई होती है, कभी कुछ हुआ है? हाँ, अभी नाली वाली साफ हुई है, प्रधान जी ने करवाई है, सफाई कर्मी जो आप उसी ने उन्हीं ने करवाई है, अभी बाकी सब। तो क्या लग रहा है, इससे काफ़ी सुरक्षित हैं आप लोग? हाँ, अपने आप को जब सुरक्षित रहेंगे तभी सुरक्षित है, नहीं तो क्या है। तो जैसे मास्क वगैरह नहीं वितरण हुआ या सैनिटाइजर नहीं, तो आपने कहीं से खरीदा है यूज करने के? हमने कहीं से नहीं खरीदा, जैसे बाहर कहीं जाते तो रूमाल से अपना मुंह नाक ढक लेते हैं और साबुन से हाथ वगैरह धोते रहते हैं, बस यही है। तो यहाँ पर किस तरह से कोरोना से बचने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं प्रधान की तरफ से या सरकार की तरफ से? प्रधान जी की तरफ से तो ऐसा है, जो भी उचित व्यवस्थाएं उन्हें जो मिल रही हों तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं, और रही बात साफ सफाई की, तो साफ सफाई वैसे नालियाँ वगैरह भी साफ कराई जा रही हैं, और सैनिटाइजर वगैरह नहीं कराया गया है। जो भी यहाँ पे है जो अपनी स्वयं से जो जैसे कि सुरक्षा रखना चाहता है तो स्वयं मास्क यूज कर रहा है और सैनिटाइजर भी स्वयं से ही परचेज कर रहा है। आप बता रहे हैं कि आप खुद से सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, चाहे मास्क हो या सैनिटाइजर हो, तो ये आसानी से मार्केट में मिल पा रहा है? आसानी से तो नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि मैं 21 मार्च की बात है, मैं कानपुर से जब रिटर्न कर रहा था अपने गांव के लिए, तो मैं कानपुर से ही परचेज करने के लिए कानपुर मार्केट में घूमा, लेकिन वहाँ भी अवेलेबल नहीं हुआ। हालांकि मुझे मास्क वगैरह मिल गया और सैनिटाइज़र मेरे पास के कवरे ये कस्बा पड़ता है, वहीं से मैंने ख़रीदा सैनिटाइज़र, और बाकी चीज़ें घर के लिए जो भी हैंड वॉश वगैरह और साबुन वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी जिससे हम कोरोना से बच सकें, वो सारी चीज़ें मैंने अपने पास रखने की कोशिश की। आप किस तरह से अपने आप को कोरोना से बचाव कर रहे हैं? बस हम तो घर पे बने रहते हैं, और जब कोई काम होता है तो अपना मास्क वास्क लगा के चले जाते हैं, काम करके फिर वापस हो जाते हैं। तो ये मास्क कहाँ से मिले आपको? मार्केट से मंगवाए। प्रधान ने नहीं दिया? प्रधान ने नहीं दिया। क्या लग रहा है कि उनको वितरण करना चाहिए था? करना चाहिए, पता नहीं उनको नहीं मिल पाए, जैसा भी जो कुछ है हमें नहीं मिला कुछ, प्रधान की तरफ से कुछ नहीं मिला। तो क्या लग रहा है कि जो आपने खरीदा वो आसानी से मिल गया था, कितना महंगा मिला था? महंगे मिलते हैं, आसानी से तो नहीं मिल पाता, लेकिन महंगे मिलते हैं, मिल जाते हैं। ये है कि अपना सरकार उसकी सप्लाई करवाए ताकि जो है तो हर आदमी को मिले, हर आदमी लगा के उसको चल सके, अपनी सुरक्षा करे और अपने अपने आप में भी सुरक्षा करे, यही है।
इसी से बचाव होगा और कहीं कोई दूसरा उपाय नहीं है इसका। गांव में जैसे आप बता रहे हैं कि व्यवस्था, तो किस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं लोग? वो चेकअप करा के गांव में अंदर करते हैं उनको। उसके अलावा सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह? हाँ, मास्क बटवाए हमने। कितने बटवाए हैं? 250 करीब। 5,000 की आबादी में सिर्फ 250? क्यों, बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं व्यवस्था की गई? बोला था वो बन रहे हैं अभी, कल परसों कल आएंगे। कितने और गए थे नहीं बढ़ गए थे, कल जाऊंगा, कल लाऊंगा। तो जब 250 किस तरह से आपने मंगाए थे वो मास्क? अब उतने हर गांव के लिए इसके उन्होंने भेजे थे पंचायत सेक्रेटरी ने, किसी गांव में 400, किसी गांव में 250। तो इसका कुल कितना बजट आया आपको कुछ पता है कि कितना बजट आया? हाँ, नहीं जानकारी बजट। कितने दिन हो गया वितरण किए? करीब 10-15 दिन हो गए। लोगों को हैंड वॉश वगैरह कुछ, लोगों को हाथ धुलाने की व्यवस्था की गई? यहाँ पर तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपके रूम में 3-4 लोग हैं, कोई कुछ नहीं किए हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन ही नहीं कर रहा है। आप जाते तो लगाते हैं, मैं गांव में गए तो आपको जरूरी नहीं, आपको नहीं लग रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन? लगा ही रहता हूं, फिर बाहर निकला तो लगा के चलता हूं, धुल के मैं फैला दिया गंदा हो गया। ये पूछना था कि ग्राम पंचायत में मास्क वितरण और सैनिटाइजर के लिए कितना बजट आया होगा? अभी कोई बजट नहीं आया। अच्छा, ये जो गांव में वितरण किए जा रहे हैं ये कैसे वितरण किए जा रहे हैं? अभी तो स्वयं सहायता समूह से लिए गए। तो क्या जो धरान गांव वहां पर 250 मास्क वितरण हुए हैं, तो क्या इतने सारे लोग? 80 मास्क वितरण हुए हैं जी। 13.60 रुपए का? 13 रुपए 5 पैसे का? 5 पैसे। तो क्या ये स्वयं सहायता समूह द्वारा ये दिए गए हैं? ना ही इनका कोई अभी तक भुगतान हुआ है और अभी तक कुछ नहीं। तो ये कैसे फिर भुगतान होगा? क्या इसका भुगतान लोगों से लिया जाएगा, कैसे क्या? नहीं, लोगों से नहीं लिया जाएगा। तो क्या क्या लग रहा है आपको कि जो लोग सिर्फ काम कर रहे हैं इसमें प्रधान द्वारा लिए गए, प्रधान अपने जेब से दिए गए? आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप भी उसका कि आप एक तरह से अधिकारी हैं और जहाँ पर जैसे आप बोल रहे हैं सिर्फ 80 मार्क्स से वितरण हुए जबकि प्रधान के द्वारा 250 मार्क्स से बताए जा रहे हैं? नहीं, आप बोल रहे हैं कि 80 मार्क्स से वितरण किए गए हैं, तो क्या लग रहा है सिर्फ उतने की जरूरत है या और भी जरूरत है वितरण करना चाहिए? नहीं, ज्यादातर तो अभी लेबर की ज्यादा जरूरत थी जो नरेगा से लेबर। तो ये तो नरेगा का काम तो अभी चालू हुआ और मास्क तो काफी दिन पहले वितरण हुए? नहीं नहीं, काफी दिन नहीं, अभी मास्क गए हैं लगभग 15 दिन। ग्राम प्रधानों को कहा गया कि अगर आप पर्सनल तौर पे दे सकते हैं तो आप बांटिए। अच्छा, अभी कोई इसका कोई फंड नहीं आया है, ना ही कोई बजट आया है, ना कोई निधि का भी लेटर है। खबर लहरिया की खास अपील, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आँखों, नाक और मुंह को ना छुएं। यदि आपको खांसी और बुखार, सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, एक और खास बात, सब सुरक्षित रहें और बिना काम के बाहर ना निकलें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।